नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे पूछेंगे 10 सवाल जो कि बुक अर्थर से संबंधित होगा। विभिन्न बुकों को किसने लिखा, कौन लिखा, किसके लिए लिखा गया, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि अभी के एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बुक के अर्थर से एक या दो प्रश्न जरूर पूछ देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि हम लोगों को पढ़कर याद कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हुमायूं नामा किसकी कृति है? ई गुल बदन बेगम, बी फैजी, सी हुमायूं, एन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड का समय। अगर समय ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ए गुलबदन बेगम। आगे सवाल नंबर 2, हिंदुइज्म के लेखक कौन है? ए नागार्जुन, बी बाणभट्ट, सी निराज सी चौधरी, एन डी चंदे सॉरी चंदवरदाई चंदरवरदाई चंदवरदाई डी ऑप्शन है। तो इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है निराज सी चौधरी। हिंदुइज्म की लेखक हैं निराज सी चौधरी। आगे सवाल नंबर 3, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसके ऑप्शन देखते हैं। ए नयनचंद्र, बी कंबन, सी विज्ञानेश्वर, एन डी अमोघ वर्ष। इसका सही जवाब है सी विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा पुस्तक लिखे थे। आगे सवाल नंबर 4, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? ए कामता प्रसाद गुरु, बी पाणिनि, सी एडम स्मिथ, एन डी अशोक मेहता। जवाब सोचिए। इसका सही जवाब है ए कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की रचना की थी। आगे सवाल नंबर 5, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन, एन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी नारायण पंडित। आगे सवाल नंबर 6, हरचरित के लेखक कौन है? काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसमें के सारे प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों, हमेशा रिपीट करते रहता है। ए खुशवंत सिंह, बी बाणभट्ट, सी जयशंकर प्रसाद, एन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित के रचना की थी। आगे सवाल नंबर 7, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हर्षवर्धन, डी शरत चंद्र चटर्जी। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है बी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे सवाल नंबर 8, स्वप्ना वासवदत्तम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस पे विचार करते हैं। ए भवभूति, बी भास, सी शूद्रक, एन डी विष्णु शर्मा। जवाब सोचिए।
इसका सही जवाब है बी भांस। आगे सवाल नंबर 9। स्मॉल इज ब्यूटी ब्यूटीफुल स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ए हेमिंगवे, बी अर्नेस्ट सुमेंसर, सी सुनील गावस्कर एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी अर्नेस्ट सुमेसर। आगे सवाल नंबर 10। दोस्तों अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी और भी अच्छी तरह से करना चाहते हैं कम समय में, तो आप हमारे बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू बनाया गया है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही कलेक्शन करके 2018 में आपके एग्जाम में जो पूछ रहे प्रश्न उससे अप टू डेट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसमें बनाया गया है। आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों। और इस 10 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए, 2 का भी दिए तो भी कमेंट कीजिए, 7 का भी दिए तो भी कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट करके हमें बताएं कि आपके नॉलेज कितने हैं बुक ऑर्थर और राइटर के बारे में। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सूर सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए निराला, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी सूरदास एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब देने के लिए समय स्टार्ट हो गया चुका है। इसका सही जवाब है सी सूरदास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और दोस्तों हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो कर दीजिए, और उससे ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।